राधे राधे, माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वांटिफायर्स क्या है। इसको सीखने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए प्रेडिकेट्स की, कि हम उसको कैसे लिखते हैं वेरिएबल्स के टर्म्स में। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, अब हम समझते हैं क्वांटिफायर्स हैं क्या। तो क्वांटिफायर्स आर वर्ड्स दैट्स रेफर टू क्वांटिटीज़। जैसे क्वांटिफायर नाम से पता चल रहा है ना, तो मतलब क्वांटिटीज़ को रेफर करते हैं, सच एज सम, फ्यू, मैनी, ऑल, नन। एंड इंडिकेट क्या करते हैं, इंडिकेट हाउ फ्रीक्वेंटली अ सर्टेन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि कैसे क्या होते हैं क्वांटिफायर। तो जैसे हम देखा ना, फ्यू, मैनी, ये सब, ये सारे वर्ड्स हैं, ये इंडिकेट करते हैं क्वांटिफायर्स हैं। तो हमें पता चलता है ना कि कोई स्टेटमेंट कितनों के लिए ट्रू है, हाउ फ्रिक्वेंटली इट इज़ ट्रू। तो देखिए, जो क्वांटिफायर्स हैं इनको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड अदर इज़ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या होता है, आपको सेंटेंसेस में कुछ इस तरह का फ्रेज मिलेगा, फॉर ऑल। ठीक है, तो फॉर ऑल जो मेनली ये क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। और जो अगर फ्रेज ऐसा लिखा है देयर एग्जिस्ट, तो ये क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, फॉर ऑल यानी सबके लिए, देयर एग्जिस्ट माने कुछ के लिए। ठीक है, इसका सिंबल इस तरह से बनाते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस, ऐसे करके और यू कट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, मतलब उल्टा ई। ओके, अच्छा, अब फॉर, अब किसी एक्स के लिए है, फॉर ऑल एक्स, जिसे मैंने कहा ना फॉर ऑल का सिंबल ये होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर ऑल एक्स, क्योंकि ये हो गया फॉर ऑल, है ना, एक्स लिखा है तो फॉर ऑल एक्स, तो दिस रिप्रेजेंट्स फॉर ऑल एक्स। या हम कह सकते हैं फॉर एवरी एक्स, या कह सकते हैं फॉर ईच एक्स। ठीक है, ऐसे अगर इस तरह से ये लिखा है, तो ये देयर एग्जिस्ट के लिए था सिंबल, ये ना देयर एग्जिस्ट के लिए था ये सिंबल, तो देयर एग्जिस्ट एक्स, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, या देयर एग्जिस्ट एक्स, या देयर इज एन एक्स, या फॉर सम एक्स। ठीक है, ये सब इक्विवेलेंट है, या देयर इज एट लीस्ट वन एक्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब है, इस तरह से हम इसको बोलते हैं, और इसके लिए हम ये सारे टर्म्स यूज़ करते हैं। अब उसको एग्जांपल समझते हैं, और अभी मैं ना 10 एग्जांपल डिस्कस करने वाली हूँ। अभी तो यहाँ पे आपको इनको डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ, और अलग से अभी 10 एग्जांपल्स और डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना। देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉडल, यहाँ लिखा है सम ह्यूमन बींग्स आर मॉडल। अब इसको कैसे लिखें, तो देखो फर्स्ट टाइम अभी आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है, फिर शॉर्ट में लिखेंगे हम। तो कैसे लिखा हमने, इसने कहा ऑल, तो ऑल फॉर ऑल है ना, वही चीज़ हो गई, तो उसको भी छुपा लूँ। क्या है, ह्यूमन बींग्स आर मॉडल, तो ह्यूमन बींग्स के लिए हम मान लें एक्स, जैसे मैंने पिछले प्रेडिकेट वाले में बताया था ना, नेम की जगह हम एक्स लिख देते थे, तो इसकी जगह हम लिख दिया एक्स। तो एक्स और एक्स एक ले रहे हैं, तो एक्स इज मॉडल, जो यहाँ पे लिखा है उससे हमने ले लिया। तो पी एक्स हमने क्या लिखा, पी एक्स क्या है, सच दैट एक्स इज मॉडल। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास क्या है, अब इसकी जगह तो एक्स आ गया, एक्स इज मॉडल, और ऑल के लिए है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स इन यू, यू क्या है, डोमेन, मतलब ह्यूमन बींग्स, या एक्स जो भी आप ले रहे हो, और ह्यूमन बींग्स ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो वो है ना, तो यू क्या होगा, सारे ह्यूमन्स का सेट हो जाएगा। तो फॉर ऑल एक्स इन यू पी एक्स, तो ऑल के लिए मतलब फॉर ऑल, तो ये सिंबल आ गया किस में, डोमेन में, तो बिलोंग्स टू यू, और फिर यहाँ पे हमें क्या मिल गया इससे, ये एक्स इज मॉडल यानी कि पी एक्स। ठीक है, तो अगर कई जगह ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज़ आप हमेशा ऐसे लिख सकते हो, ये और आसान है, तो लेकिन समझाना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ आगे मैं ऐसे ही लिखूंगी हर जगह। तो कैसे लिखा, ऑल की वजह से हमने फॉर ऑल लिखा, फॉर ऑल एक्स लिखा, और क्योंकि एक्स का फंक्शन इसको बना लिया हमने, यहाँ पे एक्स कर दिया था, ये हटके एक्स बन गया, तो एक्स का फंक्शन बन गया, तो एक्स का फंक्शन ये पूरे, एक्स का जब फंक्शन बना तो एक्स इज मॉडल हो गया, पूरे का नाम हमने पी एक्स कह दिया, तो इससे तो हो गया फॉर ऑल, ये बन चुका है पी एक्स, तो ये आ गया फॉर ऑल एक्स पी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सम आ गया, सम मतलब ये वाला है ना, यहाँ पे सम था ना, देयर एग्जिस्ट या सम वाली बात, तो उसमें क्या आ गया, देयर एग्जिस्ट एक्स, फिर इसको हमने एक्स कह दिया, और एक्स इज मॉडल का पूरे का नाम हम पी एक्स कह चुके हैं, तो क्या बन गया, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। ठीक है, ये तो ऐसे ही है जैसे यहाँ लिखा था, तो इसके लिए आ गया देयर एग्जिस्ट, फिर हमने क्या लिखा, इसका अभी सेंटेंस हमारा पी एक्स बन चुका था यहाँ पे एक्स रखने के बाद, तो क्या बन गया, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। ओके, आगे देखिए, ऑल स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल, तो ऑल को छोड़ें, स्टूडेंट की जगह अगर एक्स लिख दें, तो हमने क्या लिखा, एक्स इज सक्सेसफुल, तो ये पी एक्स बन गया, तो ये तो हमारा पी एक्स में चला गया, ऑल की जगह फॉर ऑल एक्स आ गया, तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स। तो ये तो एक तरीका है, आगे मैं आपको और भी एक अच्छा तरीका बताऊँगी लॉजिकल स्टेटमेंट को लिखने का, वो बहुत अच्छा तरीका है, और सारे स्टेटमेंट हम लिख लेंगे। ठीक है,
ऐसे यहाँ पे सम था तो देयर एग्जिस्ट एक्स, और स्टेटमेंट को हम पी एक्स बोल चुके हैं तो देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब देखो अभी हम और एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा है ट्रांसलेट सेंटेंसेस इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशंस, तो ये तरीका बहुत सही लगता है मुझे उसके कंपैरिजन में भी। जैसे यहाँ पर है एवरी पर्सन इज़ प्रेशियस, ठीक है, तो हम थोड़ा सा रिफ्रेस कर लें। रिफ्रेस सिर्फ मैं फर्स्ट में कर रही हूँ, बाकी मैं नहीं करूँगी, बाकी मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताऊँगी। तो रिफ्रेस का क्या मतलब है, जिससे हमें समझ में आ जाए कि हमने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा। देखिए हमने क्या लिखा, एवरी पर्सन इज़ प्रेशियस, तो मतलब अगर कोई पर्सन है तो वो प्रेशियस है। तो मान लिया वो पर्सन एक्स है ना, तो मतलब एक्स अगर पर्सन है तो इफ़ एक्स इज़ अ पर्सन देन एक्स इज़ प्रेशियस, ठीक है। और हर किसी के लिए एवरी लिखा है तो फॉर एवरी एक्स, तो हमने इसको रिफ्रेस करके क्या लिखा, एवरी के लिए लिखा फॉर एवरी एक्स इफ़ एक्स इज़ अ पर्सन देन एक्स इज़ प्रेशियस, ठीक है। तो अब क्या किया, इस एक्स इज़ अ पर्सन को हमने एम एक्स नाम दे दिया, ठीक है, एक्स इज़ प्रेशियस को हमने ए एक्स नाम दे दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया एम एक्स, ये हो गया ए एक्स। और इफ़ देन वाला है तो हमने जब वो पढ़ा था ना कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ देन वाले में हम ये वाला साइन बनाते हैं, तो ये हो गया हमारा एम एक्स, ये था हमारा ए एक्स, तो क्या हो गया एम एक्स इम्प्लाइज ए एक्स, तो ये लिख लिया हमने। फॉर एवरी था या यहाँ पे एवरी था तो ये वाला निशान आ गया, फॉर ऑल एक्स वाला है ना, फॉर ऑल एक्स या फॉर एवरी एक्स, मैंने आपको बताया था कि फॉर एवरी हो फॉर ईच हो एक ही बात है, ठीक है। तो क्या हुआ, एवरी पर्सन, पर्सन को हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एक्स इज़ अ पर्सन, ये एम एक्स बना, यहाँ से ए एक्स बना, इम्प्लाइज हो गया, तो एम एक्स इम्प्लाइज ए एक्स और फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अब आगे देखें, एवरी स्टूडेंट इज़ क्लाइवर, तो क्या है, पहली बार तो वो स्टूडेंट होगा देन वो क्लाइवर है ना, है ना, और फॉर एवरी है तो फॉर ऑल आ जाएगा, तो स्टूडेंट के लिए हमने क्या लिख दिया, एक्स इज़ अ स्टूडेंट, इसको नाम दे दिया एम एक्स, क्लाइवर एक्स इज़ क्लाइवर एन एक्स, तो वो स्टूडेंट है तो क्लाइवर है, तो एम एक्स इम्प्लाइज एन एक्स, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। रिफ्रेश सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक में किया था कि एक्चुअली में ये क्यों आया, ठीक है, कैसे आया, तो स्टूडेंट है को तो जो स्टूडेंट है वो क्लाइवर है, तो एम एक्स इम्प्लाइज एन एक्स आ गया, ठीक है, एवरी की वजह से फॉर ऑल आ गया। आगे देखें, ऑल मैन आर मॉडल, तो एवरी ऑल ये सब एक ही बात है, तो अब अगर कोई मैन है तो वो मॉडल है, तो एक्स को मान लिया एक्स इज़ अ मैन, तो इसको एम एक्स नाम दे दिया, अब एक्स इज़ मॉडल, इसको मैंने पी एक्स दे दिया। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ये अपने मन से, अपने मतलब मैंने ऐसे ही ले लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, एम एक्स एन एक्स क्यू एक्स, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। वैसे कई बार यहाँ अल्फ़ाबेट की सुन ले, तो एम की वजह से एम एक्स ले लिया, अब दो बार एम तो यहाँ पी ले लिया है, ठीक है। तो क्या आ गया, एम एक्स इम्प्लाइज पी एक्स पिछले वाले की तरह, ऑल है तो फॉर ऑल आ गया, ठीक है। आगे देखें, एनी इंटीजर इज़, अच्छा एक चीज़ और, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ डिस्कस किए थे ना कि ऑल स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल, तो आप इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हैं बट बेटर है कि आप इसको इस तरह से लिखें, ठीक है। तो इस वाले को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को मान लें कि एक्स इज अ स्टूडेंट, उसको हम कुछ पी एक्स मान लें, एक्स इज सक्सेसफुल तो क्यू एक्स मान लें, और फिर हम इम्प्लाइज करके लिख दें। तो इस तरीके से आप इनको भी लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे बस मुझे फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना था, इसलिए मैंने ऐसे बताया, तो ये भी तरीका सही है। बट ये वाला अगर आप सीख जाओगे ना, तो कितने भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स हो आप सबके लिए लिख लेंगे, और दूसरी बात जब निगेशन निकालेंगे तो भी आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब आगे देखें, यहाँ पे लिखा है एनी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एनी अब कोई इंटीजर होगा तो वही तो होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पहले वो इंटीजर होने चाहिए। तो हमने एम एक्स ले लिया, एम एक्स जो है एक्स इज एन इंटीजर, पी एक्स ले लिया एक्स इज, अब यहाँ से ले लिया आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। तो अब क्या लिखा हमने, फॉर ऑल एक्स एनी है ना, फॉर ऑल एक्स एम एक्स इम्प्लाइज पी एक्स, अगर इंटीजर है तो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जितने मैंने फोर लिए स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, इसमें सब में ऑल वाली कहानी थी, ऑल एवरी ये सब था। अब आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ जिसमें देयर एग्जिस्ट आ गया, तो देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, तो अब सिर्फ आगे तो कुछ है नहीं, सिर्फ स्टूडेंट ही है, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, तो मान लिया एक्स एक स्टूडेंट है, तो एक्स इज अ स्टूडेंट को हमने पी एक्स कह दिया, देयर एग्जिस्ट की वजह से ये साइन आ गया, तो ये क्या बन गया, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, ठीक है। इसके बाद एक्स जरूर आता है, जैसे फॉर ऑल में एक्स आ रहा था ना, ऐसे देयर एग्जिस्ट एक्स आएगा और देन पी एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, सम स्टूडेंट्स आर क्लाइवर, स्टूडेंट हैं फिर वो क्लाइवर हैं, तो एक्स इज अ स्टूडेंट को हमने पी एक्स माना, क्यू एक्स एक्स इज अ क्लाइवर को क्यू एक्स माना, सम की वजह से देयर एग्जिस्ट एक्स आ गया,
अच्छा अब चीज़ और, अब यहाँ पे हमने कहा था एवरी स्टूडेंट इज क्लेवर, एवरी वाले में तो हम इम्प्लाइज करके लिखते हैं ठीक है, लेकिन देयर एग्जिस्ट वाले हों सम वाले हों तो हम इम्प्लाइज नहीं करेंगे, हम एंड लिखते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा ठीक है। फॉर ऑल वाले में ही ये चलता है, अदरवाइज जो सम वाले हों उसमें एंड करके लिखते हैं, जो भी यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट हैं क्लेवर हैं जो भी हैं उसको एंड कर करके लिख देंगे ठीक है। देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स और ये जो एंड का साइन है क्यू एस, ये वैसा ही है जैसा हमने प्रपोजिशन में जब पढ़ा था डिसजंक्शन कंजंक्शन, वही है एंड और वाला ठीक है। तो स्टूडेंट्स भी हैं एंड वो क्लेवर हैं। सम स्टूडेंट्स आर नॉट सक्सेसफुल, तो उसमें क्या किया, पहले ले लिया स्टूडेंट के लिए एक्स इज अ स्टूडेंट, क्यू एक्स ले लिया एक्स इज सक्सेसफुल ठीक है। अब सम है तो देयर एग्जिस्ट एक्स आ गया, अब वो स्टूडेंट्स हैं यानी कि पी एक्स और एंड करके, अब नॉट सक्सेसफुल है तो निगेशन क्यू एक्स। अगर मान लीजिए मैं क्यू एक्स ले लेती एक्स इज़ नॉट सक्सेसफुल तो फिर निगेशन यहाँ नहीं लगाना पड़ता, मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लिया है इसीलिए मुझे यहाँ पे निगेशन को लगाना पड़ा ठीक है। फिर यहाँ कह रहे हैं नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, तो पहले ऑल के लिए देख लें, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई के लिए, तो ऑल के लिए के वो भी छुपाया जाएगा, पहले बर्ड्स देख लें, तो पहले लिखा एक्स इज़ अ बर्ड, इसको पी एक्स का, एक्स कैन फ्लाई है ना फ्लाई लिखा है तो उसको क्यू एक्स का ठीक है। अब बर्ड्स कैन फ्लाई तो मतलब पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स ठीक है, ऑल वाला है ना तो ऑल के लिए फॉर ऑल आना ही है, तो पहले इसको लिख दिया ऑल की वजह से फॉर ऑल का साइन आ गया। अब नॉट लगाया ना यहाँ पे तो हमने क्या लगा दिया, बाहर निगेशन लगा दिया ठीक है। एक्चुअल में निगेशन क्या है, इस वाले पार्ट का निगेशन है तो हम बाहर भी ऐसे लगा सकते हैं ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे भी लगा देंगे तो भी सही है। अब आगे देखिए देयर इज़ अ स्टूडेंट हु लाइक्स मैथमेटिक्स बट नॉट ज्योग्राफी, तो क्या किया एक स्टूडेंट है तो एक्स इज़ अ स्टूडेंट, एस एक्स मान लिया एस की वजह से यहाँ पे है ना, नाम मैंने सिंबल एस के सी के अकॉर्डिंग लिया है। अब लाइक करता है मैथमेटिक्स को तो एक्स लाइक मैथमेटिक्स तो उसको मैंने एम एक्स कह दिया। फिर ज्योग्राफी की बात हो रही है तो हमने लिखा एक्स लाइक्स ज्योग्राफी, लाइक लिख दिया तो वहाँ निगेशन लगा देंगे ठीक है, नॉट दिया था वैसे, अगर यहाँ नॉट लेते तो यहाँ पे ये निगेशन नहीं लगाना पड़ता, तो जी एक्स ले लिया। अब लिखें कैसे, अब देखिए देयर इज़ अ, मैंने आपसे अभी कहा था ना कि अगर सम वाले हों देयर एग्जिस्ट वाले हों तो क्या लिखते हैं हम, देयर ये लिखते हैं एंड करके लिखते हैं है ना। अगर होता फॉर एवरी स्टूडेंट करके होता, यहाँ पे एवरी स्टूडेंट करके होता तो हम क्या लिखते हैं, तो हम एंड करके नहीं तो इम्प्लाइज करके लिखते हैं, तो देयर वालों में देयर एग्जिस्ट वाले हों सम वाले हों उसमें हम एंड कर करके लिखते हैं जो भी हमारे पास हैं स्टेटमेंट या प्रेडिकेट्स। तो एस एक्स ये हो गया स्टूडेंट है तो एस एक्स आ गया, एंड मैथमेटिक्स को लाइक करता है तो एंड करके एम एक्स लिख दिया, ज्योग्राफी को लाइक नहीं करता है तो निगेशन ऑफ जी एक्स लिख दिया एंड करके ठीक है। और सम है देयर एग्जिस्ट करके वाला सिंबल है, देयर इज या देयर एग्जिस्ट एक ही बात है तो देयर एग्जिस्ट एक्स का साइन बना दिया ठीक है। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा जा रहा है हमसे कि ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबल्स यूजिंग क्वांटिफायर्स वेरिएबल्स एंड प्रेडिकेट सिंबल्स। अब इसमें ऑलरेडी इसने बता रखा है कौन पी एक्स है कौन क्यू एक्स है, तो इसमें कह रहा है पी एक्स का मतलब एक्स कैन स्पीक तमिल एंड क्यू एक्स मीन्स एक्स नोज दी लैंग्वेज सी। अब यहाँ कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ स्टूडेंट हु कैन स्पीक तमिल एंड हु नोज सी, देयर इज सम वाली बात हो रही है ना, देयर एग्जिस्ट एक्स आएगा, और तो मैंने कहा था देयर एग्जिस्ट में जो जो भी हो एंड करके लिख दें, तो क्या है देयर इज़ अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को इन्होंने नहीं दिया है तो हु कैन स्पीक, तो स्टूडेंट कैन अच्छा एक्स ऑलरेडी ऐसे ही ले लिया तो ठीक है, स्पीक तमिल के लिए हम क्या लिख लें यहाँ पे पी एक्स और नो सी यानी कि क्यू एक्स, तो एंड करके हमने लिख दिया इस तरह से ठीक है। वैसे देयर इज़ अ स्टूडेंट भी यहाँ क्वेश्चन में दिया होना चाहिए था, स्टूडेंट को कुछ आर एक्स वगैरह मानना चाहिए था, बट नहीं भी अगर दिया है तो फिर हम इन दोनों के लिए इतना लिख देंगे ओके। फिर देयर इज़ अ स्टूडेंट हु कैन स्पीक तमिल बट डज नॉट नो सी, तो देयर एग्जिस्ट करके हो जाएगा एक्स और क्या हो जाएगा स्पीकर तमिल को बोल रहा है एंड डज नॉट नो सी, सी को नहीं है तो एंड नेगेशन ऑफ क्यू एक्स ठीक है। एवरी स्टूडेंट आइदर स्पीक तमिल और नो सी, तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट के लिए हम कह रहे हैं तो फॉर ऑल एक्स तो क्या होगा पी एक्स होगा और है तो और का साइन आ गया और क्यू एक्स ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं नो स्टूडेंट कैन स्पीक तमिल और नोज सी, कोई भी स्टूडेंट जो है वो न तो तमिल बोल पा रहा है और ना ही सी, तो ये क्या हो जाएगा, और नो स्टूडेंट मतलब हर किसी के लिए हम कह रहे हैं ना, हर किसी के लिए बात कही जा रही है फॉर ऑल एक्स वाली, पहले नो हटा दें
तो फॉर ऑल एक्स के लिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, ना तो वो तमिल बोल सकते हैं और ना ही सी, तो और करके हम लिख दिया पी एक्स क्यू एक्स को, ठीक है। अब हम कह रहे हैं नो स्टूडेंट, नो है बाहर तो निगेशन लगा दो, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं फॉर ऑल एक्स, यहाँ निगेशन लगा दें, एक ही बात है, ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब नेक्स्ट आपके लिए मैंने यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, इनको क्वांटिफायर्स, वेरिएबल और प्रेडिकेट सिंबल्स वगैरह यूज़ करके आप लिखिएगा। आंसर्स हालांकि मैंने लिख दिए हैं, बट मैं आपसे कहूँगी कि आप एक बार खुद लिखिएगा और फिर मैच करिएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए और वीडियोज़ बनाती रहूँ। टेक केयर, राधे राधे।